हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर फिर तुम्हारे सामने। एक्चुअली एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के दिमाग में, वो है कि सर मोलैरिटी और ये नॉर्मैलिटी सर दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? सर फॉर्मूला तो पता है लेकिन ये होता क्या है? देखिए मोलैरिटी क्या होती है, राइट? आज हम देखेंगे कि भाई मोलैरिटी क्या है। कुछ नहीं है सर, दोनों ही टर्म कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liters, right? And normality क्या होती है? Number of gram equivalent, number of gram equivalent upon volume of solution in liters. अब सर मोल्स तो पता है, मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जबकि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, राइट? सर वेट तो पता है लेकिन इक्विवेलेंट मास नहीं पता। कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब आया सबसे बड़ा रूल, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। बात समझ में आई? अब पहले तो रिलेशनशिप निकाल लेते हैं दोनों के बीच में। सर नॉर्मेलिटी अभी अभी आपने देखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू मैं वहां पर पुट अप कर दूंगा। क्या करूंगा सर? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा सर एक और चीज, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, या नहीं लिख सकते हैं ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सही है? अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड सबको पता है मोल्स अपॉन दिस को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, राइट? ये मेरा एक बेसिक फॉर्मूला भी बन जाता है जो सबको मैक्सिमम याद तो रहता है, बट वो नॉर्मेलिटी जैसे ही वर्ड आता है तो थोड़े से दिक्कत महसूस करते हैं, राइट? तो नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो डरने की बात नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर को जानने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, सुनते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू।